तो फाइनली एसएससी जीडी एग्जाम का डेट आ चुका है, पता हो गया हो सबको। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी तक का। अगर हम 4 फरवरी को देखें तो अभी भी हमारे पास कुल मिला के 60 दिन है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या 60 दिन एसएससी जीडी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सफिशियंट टाइम है? तो मैं कहता हूँ कि जो सिलेबस है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से 100% सफिशियंट है, लेकिन घर बैठ के नहीं। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैं 60 दिन की भी गारंटी लेता हूँ, अगर कोई बच्चा 60 दिन में मुझे फॉलो कर दे तो ज़रूर मैं उसका रोल नंबर छपवा सकता हूँ, मतलब उसको सेलेक्ट करा सकता हूँ। तो हम इस समय एमकेसी में हैं और हमारे पास एमकेसी में एसएससी जीडी के बैचेस प्रॉपर सुबह भी शाम भी कंटिन्यू चल रहे हैं। इस समय हम सुबह वाले बैच में हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा बैच है। तो हम आइए ज़रा देखते हैं कि आखिरकार एमकेसी में कैसी चल रही है एसएससी जीडी की तैयारी, क्या है हमारे यहाँ हॉस्टल का इन्वायरमेंट, क्या है हमारी किताबों का प्रदर्शन, हमारे लगातार होने वाले एग्ज़ाम में आखिर हमारी किताबें कितना रोल प्ले करती हैं, हमारे टीचर कैसा बच्चों के साथ बिहेव करते हैं और क्या है क्लास का एनवायरनमेंट। आइए बच्चों से भी बात करते हैं। तो दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अच्छी चल रही है। प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं? कोई टेस्ट वेस्ट? टेस्ट भी हो रहा है? पिटाई भी चल रही है क्या? मतलब आपको डंडा चलाना भी सिखाया जा रहा है फाइनली? क्या क्लास वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट है, केवल मॉक टेस्ट है? चैप्टर वाइज भी टेस्ट हो रहा है। परफॉर्मेंस आपका, मतलब आपको रिजल्ट भी बताया जाता है? तो कुल मिला जुला करके पढ़ाई से आप इत्तफाक रख रहे हैं इस बात से कि पढ़ाई अच्छी हो रही है? कितने लोग हॉस्टल में रह रहे हैं इस समय? हॉस्टल में तो कैसा हॉस्टल का क्या, आप बताओ हॉस्टल का क्या है? एमकेसी का हॉस्टल कैसा है? सही है। बढ़िया है जी सर। सही है कि बढ़िया है? बढ़िया है सर। बढ़िया। कहाँ से आए आप? मैं सर मथुरा से। आप मथुरा से आए जी सर। तो अभी हॉस्टल में खाना वाना सब कुछ अच्छा है सर? एटमॉस्फेयर हॉस्टल का सही है जी सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? बताओ भाई आप कहाँ से आए हैं? आगरा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारी मतलब एमकेसी का ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक एक बैच में 6-6 7-7 8-8 स्टेट के बच्चे रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है वाकई कि हम हर स्टेट में अपनी बात पहुँचाते हैं। आप कहाँ से आओ भाई? जम्मू। क्या नाम है आपका? शानू। जम्मू से आप आए हैं जी सर। तो कैसा चला, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। कब आए हैं आप? सर मुझे 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। क्लास कब से ज्वाइन किया? सर 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन। अभी कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, लग रहा है हो जाएगा काम? जी सर, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों ने ये देखा कि 60 दिन का जो टाइम है वो मेरे लिए अगर कहा जाए तो मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ही समय है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है विद्यार्थी का जुनून, विद्यार्थी का जोश, विद्यार्थी का पागलपन। ये अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये आपके अंदर है तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 60 दिन में मैं आपका रोल नंबर छपवाऊँगा।